तो T20 वर्ल्ड कप 2022 में आज दो मैच खेले गए। पहले मैच में श्रीलंका ने नीदरलैंड को हरा कर पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर पहुंच गई, तो वहीं दूसरे मैच में यूएई ने नामीबिया को हरा कर पॉइंट टेबल में दो अंक हासिल कर लिया। तो ऐसे में पॉइंट टेबल में कौन सी टीम कितने नंबर पर है, किस टीम के पास कितना पॉइंट्स है और कौन कौन सी वो टीमें हैं जो सुपर 12 में पहुंच गई हैं, किस टीम को यहां से कितने मैच और जीतने होंगे सुपर 12 में पहुंचने के लिए, मैं इस वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो रहने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वीडियो में अंत तक बने रहना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप बी के पॉइंट टेबल की। तो ग्रुप बी के पॉइंट टेबल में सबसे आखिरी पायदान यानी चौथे नंबर पर है आयरलैंड। आयरलैंड ने अब तक दो मैच खेले हैं, दो मैचों में से एक मैच में जीत मिली है जबकि एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल दो पॉइंट इस टीम के पास है लेकिन नेट रन रेट माइनस 0.468 है। अब इस टीम को एक मैच और खेलना है, अगर उस मैच में इस टीम को जीत मिलती है तो यह टीम सुपर 12 में पहुंच जाएगी। तो वही ग्रुप बी के पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है वेस्टइंडीज। वेस्टइंडीज ने अब तक दो मैच खेले हैं, एक मैच में जीती है जबकि एक मैच में हार मिली है। टोटल दो पॉइंट इस टीम के पास है लेकिन नेट रन रेट माइनस 0.275 है। अभी वेस्टइंडीज को एक मैच और खेलना है, अगर उस मैच में इस टीम को जीत मिलती है तो यह टीम सुपर 12 में पहुंच जाएगी। टीम का अगला मुकाबला आयरलैंड के साथ रहने वाला है। ग्रुप बी के पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने अब तक दो मैच खेले, दो मैचों में से एक मैच में जीत मिली है जबकि एक मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल दो पॉइंट इस टीम के पास है, नेट रन रेट की बात करें तो प्लस 0.00 इस टीम का नेट रन रेट है। एक मैच और जिम्बाब्वे को खेलना है, अगर उस मैच में इस टीम को जीत मिलती है तो यह टीम सुपर 12 में क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं ग्रुप बी के पॉइंट टेबल में सबसे पहले नंबर पर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड ने भी दो मैच अब तक खेले हैं, एक मैच में जीती है जबकि एक मैच में हार मिली है। टोटल दो पॉइंट इस टीम के पास है लेकिन नेट रन रेट प्लस 0.759 का, जो कि काफी बेहतर है। अब इस टीम को एक मैच और खेलना है, अगर उस मैच में इस टीम को जीत मिलती है तो यह टीम सुपर 12 में पहुंच जाएगी। वैसे इस टीम का अगला मुकाबला जो रहने वाला है जिम्बाब्वे के साथ रहने वाला है। बात करते हैं ग्रुप ए के पॉइंट टेबल की। तो ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में चौथे नंबर पर है यूएई। यूएई ने तीन मैच खेले और इन तीन मैचों में से एक मैच में जीत मिली है जबकि दो मैच में हार का सामना करना पड़ा है। टोटल दो पॉइंट इस टीम के पास है, नेट रन रेट की बात करें तो इस टीम का नेट रन रेट माइनस में है और यह टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 के सुपर 12 से ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। तो वही ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर है नामीबिया। नामीबिया ने तीन मैच खेले और इन तीन मैचों में से दो मैच में हार मिली है जबकि एक मैच में इस टीम ने जीत दर्ज की है। टोटल दो पॉइंट इस टीम के पास है लेकिन नेट रन रेट इस टीम का थोड़ा सा बेहतर है और ये टीम भी सुपर 12 से ऑफिशियली बाहर हो गई है। वही ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में दूसरे नंबर पर है नीदरलैंड। नीदरलैंड ने तीन मैच खेले और इन तीन मैचों में से दो मैच में जीत दर्ज की है जबकि एक मैच में इस टीम को हार मिली है। टोटल चार पॉइंट इस टीम के पास है, नेट रन रेट की बात करें तो माइनस 0.162 इस टीम का नेट रन रेट है और यह टीम चार पॉइंट के साथ सुपर 12 में जगह पक्की कर ली है। तो एक ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर है श्रीलंका। श्रीलंका ने तीन मैच खेला और इन तीन मैचों में से दो मैच में जीत दर्ज की है जबकि एक मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। टोटल चार पॉइंट इस टीम के पास, नेट रन रेट की बात करें तो प्लस 0 पॉइंट इस टीम का नेट रन रेट, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन है और यह टीम भी सुपर 12 में जगह पक्की कर ली है। तो ग्रुप ए से जो दो टीमें सुपर 12 में पहुंची हैं श्रीलंका और नीदरलैंड है। तो दोस्तों ये रहा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 का नया पॉइंट टेबल जो कि यूएई बनाम नामीबिया मुकाबले के बाद। तो आपको क्या लगता है ग्रुप बी में से कौन
कौन सी वो दो टीमें रहेंगी जो सुपर 12 में पहुंचेंगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।